आसमान से आग बरस रही है, तापमान रोजाना नई ऊंचाइयां छू रहा है। जिस समय घर और गाड़ी में एसी से भी ठंडक महसूस नहीं हो रही, उस समय ये सोचने से ही पसीना आ जाता है कि भरी दोपहरी में कोई सूरज के ठीक नीचे चौराहे पर खड़ा है। इस समय तापमान 43 डिग्री होता है। उस समय भी यातायात व्यवस्था संभालने के लिए यातायात विभाग के तैनात होमगार्ड से लेकर ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर तक सड़क पर खड़े रहते हैं। यातायात विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी के लिए कई पॉइंट्स तो ऐसे हैं जहां पर सूरज की गर्मी सीधे बदन को छू जाती है। इसके अलावा पीने का पानी भी इनके लिए बड़ी ही दुविधा बनता है। घर से ले जाएं तो वह गर्मी के चलते उबल जाता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी ये सिपाही हमारे लिए अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करते हैं। दिक्कत यही है कि टेम्परेचर ज़्यादा है जिसमें गर्मी लगती है, और दूसरे पानी की समस्या यहाँ पे है। पानी कुछ तो हम घर से ले आते हैं, जिससे जब तक चलता है, फिर वन बाई वन करके जो है ट्रैफिक चला लेते हैं। और सबसे बड़ी समस्या मैं पहले ही बताया कि पब्लिक कोऑपरेशन है। पब्लिक अगर कोऑपरेट करे तो ये दिक्कत नहीं आए, क्योंकि ऐसा है एक अकेले से यहाँ पे चौराहा नहीं चला जाता है, दूसरे को खड़ा रहना पड़ता है। और आज भी दो डिटेल है यहाँ पे, तो जिस वजह से जो है वन बाई वन करके एक दूसरे को थोड़ा रिलैक्स भी देना पड़ता है। बस यही समस्या है, और ऐसी कोई खास समस्या नहीं है, जो हम निपट लेते हैं।